दोस्तों अगर बात करें अजय देवगन की, तो अजय देवगन स्टार्टिंग से ही एक्शन वाली फिल्में ज़्यादा करते हैं और एक्शन वाली ही फिल्में उनकी पसंद की जाती हैं। पिछली फिल्म की अगर बात करें अजय देवगन की, तो फिल्म थी तानाजी। और तानाजी फिल्म को इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतना ज़्यादा सम्मान मिला कि अजय देवगन भी फूले नहीं समाए। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म ने धमाकेदार कमाई की और धुआंधार उड़ाया पैसा बॉक्स ऑफिस पे पब्लिक के तरफ से। दोस्तों वहीं अगर बात करें अजय देवगन के एक्शन फिल्मों की, तो हमेशा से ही अजय देवगन को मतलब पब्लिक एक्शन वाली फिल्मों ही में ही पसंद करती है, इसीलिए अजय देवगन हमेशा कोशिश करते हैं कि वो एक्शन वाली फिल्म करें। दोस्तों अब आपको नेक्स्ट अजय देवगन की फिल्म देखने को मिलेगी कैथी का रीमेक। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कैथी एक साउथ इंडियन फिल्म थी, मतलब कि तेलुगु फिल्म थी, जिसको तेलुगु सिनेमा में बहुत ज़्यादा प्यार मिला। दोस्तों ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी, यानी कि बहुत ही खतरनाक एक्शन था इस फिल्म के अंदर। वहीं दोस्तों अजय देवगन ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए हाल ही में कुछ टाइम पहले ट्वीट किया था। दोस्तों दरअसल ट्वीट में अजय देवगन ने लिखा था कि हाँ, मैं 2021 में यानी कि फरवरी 21 को एक फिल्म रिलीज करवा रहा हूँ, जिसका नाम है कैथी, जो कि साउथ इंडियन फिल्म है यानी कि तेलुगु फिल्म है, और इसका मैं रीमेक कर रहा हूँ। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की मतलब टाइटल की, यानी कि क्या टाइटल होने वाला है, तो अभी तक इस फिल्म के टाइटल का खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि कैथी का नाम ही लेके शायद बना दिया जाएगा और रिलीज़ कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों कई सारे अलग अलग फैन मेड पोस्टर भी रिलीज़ किए जा रहे हैं इस फिल्म के। दोस्तों वैसे अगर बात करें कैथी के और ज़्यादा बातों की, यानी कि और ज़्यादा इस अगर डिटेल में जाएंगे, तो आपको बता दें कि जो कैथी फिल्म थी तेलुगु सिनेमा में, उसने 105 करोड़ का बिजनेस किया था। और दोस्तों अगर तेलुगु सिनेमा में 105 करोड़ का बिजनेस किया था फिल्म ने, तो आप सोच सकते हैं कि अगर अजय देवगन हिंदी सिनेमा में इस फिल्म को बनाएंगे, तो आराम से 300-400 करोड़ रुपये पार जाएगी ये फिल्म। वहीं दोस्तों अगर बात करें एक्ट्रेस की, तो अभी तक एक्ट्रेस का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार कौन हीरोइन होगी इसमें। वैसे तो नाम आ रहा है कि तमन्ना भाटिया इस फिल्म के अंदर हो सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अब दोस्तों देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार कैथी में कौन होता है हीरोइन और कैथी का नेक्स्ट अनाउंसमेंट ऑफिशियल कब आता है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय जरूर बताएं। सब्सक्राइब कर दोस्तों टॉप ऑफ इन फैक्ट्स, ताकि आपको बॉलीवुड की हर खबर मिले सबसे पहले। धन्यवाद।